आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। भगवान टागोर चौराहे से कैंट तक चलाई जा रही सिटी बसों का दायरा यात्रियों की परेशानी को देखते हुए बढ़ा दिया गया है। ग्रामीणों की सुविधा के लिए पिनाहट, टुंडला, खेरागढ़, फतेहपुर सीकरी के लिए भी सिटी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया। लॉकडाउन के लंबे समय के बाद यात्रियों की सुविधाओं के लिए सिटी बसों का संचालन अन्य रूटों पर भी शुरू कर दिया गया है। ARM राशिद अली खान का कहना है कि फतेहपुर सीकरी, पिनाहट, टुंडला, खेरागढ़ के लिए भी बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। पैसेंजर जैसे जैसे बढ़ेगा हमारी संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे पास चालक परिचालक और गाड़ियाँ दोनों मुहैया हैं। लेकिन खामखा जो है, जब पैसेंजर नहीं है तो बस स्टेशन पर भीड़ गाड़ियों की लगाना जो है कोई अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि उससे जो है बस स्टेशन पर भी जो है खामखा भीड़ बढ़ जाएगी और पैसेंजर रहेगा नहीं। तो पैसेंजर अगर बढ़ता है हमारा तो हमारी गाड़ियाँ जो है बढ़ जाएंगी, क्योंकि हमारे पास स्टाफ और गाड़ियाँ दोनों मुहैया हैं। कहाँ कहाँ बसें बढ़ाई हैं? हम जो है पिनाहट चला रहे हैं, खैरागढ़ चला रहे हैं, टूंडला चला रहे हैं, फतेहपुर सीकरी चला रहे हैं और भगवान से कैंट रूट चला रहे हैं। ARM राशिद अली खान का कहना है कि शुरुआत में भगवान टॉकी चौराहे से कैंट तक 12 बसों का संचालन शुरू किया गया, लेकिन ग्रामीण अंचल के लोगों की परेशानी देखते हुए सिटी बसों का संचालन कराया जा रहा है। बस संचालन के दौरान प्रत्येक बस को सैनिटाइज कर सवारियों को बैठाया जा रहा है। इसके साथ ही यात्रियों के हाथ भी सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। ये यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई गई है, ताकि जो है आसानी से और कम किराए में जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुँच सकें। हाँ, आदमी थोड़ा सा अपने आप को प्रिकॉशन बरत रहा है, क्योंकि बराबर ये एडवर्टाइजमेंट भी चल रहा है कि घर में बैठें, फिजूल में न घूमें, जो ज़रूरतमंद है वही यात्री निकल रहा है। नहीं, सवारी कम निकल रही है तो ऑटोमेटिक है कि जो है विभाग को घाटा तो है ही है इसमें, लेकिन फिर भी यात्रियों की सुविधा के लिए जो है ये जन सेवा है, इसलिए की जा रही है। हम जो है एक तो अपनी गाड़ियों को सैनिटाइज करा रहे हैं, ड्राइवर और कंडक्टर हमारे हैंड सैनिटाइज करते हैं, मास्क लगा रहे हैं। यात्रियों को भी ये बताया जा रहा है कि वो मास्क लगा कर ही यात्रा करें और उनके हैंड सैनिटाइज कराए जा रहे हैं। जी हाँ, मास्क नहीं है तो यात्रियों से कहा जा रहा है, अनुरोध किया जा रहा है कि बिना मास्क के जो है यात्रा नहीं कराई जाएगी। ARM राशिद अली खान का कहना है कि कोरोना वायरस से फैल रही बीमारी के चलते यात्री कम निकल रहे हैं, इस कारण विभाग को घाटा भी हो रहा है। फिर भी यात्रियों की सुविधा को देखते हुए बसों का संचालन किया जा रहा है। अगर सवारियों की संख्या बढ़ती है तो बसों की भी संख्या बढ़ा दी जाएगी। उमेश शर्मा, सी न्यूज आगरा।